बड़ी खबर राजगढ़ से। हत्या का आरोपी राजगढ़ जिला अस्पताल के कैदी वार्ड से फरार हो गया। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे जिला अस्पताल के कैदी वार्ड से हत्या का आरोपी अस्पताल के बाथरूम की खिड़की के कांच तोड़कर फरार हो गया। राजगढ़ थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां आरोपी 3 माह पहले भोजपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या करने के आरोप में जेल में बंद था, लेकिन कुछ दिन पहले इसे बीमार होने के कारण जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती करवाया गया था। जिला अस्पताल के इस कैदी वार्ड में पुलिस का पहरा भी रहता था, लेकिन बाथरूम की खिड़की के कांच तोड़कर यहां आरोपी फरार हो चुका है। आरोपी खाजू पिता शुभान खां पहले भी अन्य कई आरोपों में लिप्त रह चुका है। आरोपी के भागने के बाद पुलिस ने इसे राजगढ़ में खोजने की कोशिश भी की, लेकिन जब नहीं मिला तो कोतवाली राजगढ़ में IPC की धारा 224 के तहत अभिरक्षा से भागने का मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपी का उपचार जहां होता था वह ना तो CCTV कैमरा है और ना ही जिला अस्पताल प्रबंधक की ओर से कोई सुरक्षा कर्मी तैनात थे। राजगढ़ से जिला ब्यूरो चीफ सुनील सोनी की खास रिपोर्ट। इसमें सर कोतवाली में दर्ज हो रहा होगा सर कुछ? जी वो जो पुलिस कर्मी जो भी लगे उनको क्या तो हेलो थाना भोजपुर का अपराध था धारा 302-394 का, जिसमें एक वाजू मंसूर आरोपी था जो जेल में बंद था। इसका स्वास्थ्य खराब होने पर इसको जिला राजगढ़ के अस्पताल में उपचार हेतु लाया गया था। कुछ दिनों से ये उपचाराधीन होकर अस्पताल में ही भर्ती था। वहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी लगे हुए थे और आज दोपहर को वो वहाँ से पुलिस कस्टडी से आरोपी भाग गया है, जिसके बाद थाने पर अपराध दर्ज किया गया है धारा 224 के तहत और आरोपी की तलाश की जा रही है। इसमें सर कोतवाली में दर्ज हो रहा होगा सर कुछ? जी वो जो पुलिस कर्मी जो भी लगे उनको क्या? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.